हेलो स्टूडेंट्स, इनफीटीक्यू एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के सीरीज़ में डेटा स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने लास्ट टर्म पे हैशिंग डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनरी सर्च ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स और बाइनरी सर्च ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे हम कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट बाइनरी सर्च ट्री कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ फोर डिस्टिंक्ट कीज़। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि चार डिफरेंट अगर हमारे पास डेटा वैल्यूज हो तो आप उससे कितने बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल अगर लें एंड देन उसके बाद फिर मैं आपको ये बता दूंगा कि कितने पॉसिबल होंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास 2, 3, 4, 5 ये डेटा आइटम्स हैं, तो आपको पता है कि आप इससे एक ये ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इससे आप एक ये भी ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और इससे आप एक ऐसा ट्री भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो देर आर सेवरल ट्रीज दैट विल बी पॉसिबल। तो इसकी काउंटिंग कर पाना इस तरह से बहुत ही मुश्किल है, और अगर हम इसको 4 को 5 कर देंगे तो और भी मुश्किल हो जाएगा, 5 को 6 कर देंगे तो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला है, इसको हम कहते हैं 2NCn/(n+1)। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एन की वैल्यू हम अगर 4 पे पुट करें सो दिस विल बी 8C4/5। इसको हम फर्दर एक्सपेंड करें तो 8×7×6×5 डिवाइडेड बाई 4×3×2×1 एंड देन होल डिवाइडेड बाई 5। सो 4 और 2 का जो कॉम्बिनेशन है उससे 8 एलिमिनेट हो जाता है, और 3 के कॉम्बिनेशन से 6 डिवाइड बच होके 2 बचता है, ये 5 और ये 5 डिवाइड हो जाएंगे। सो 7×2 14 विल बी अवर आंसर। सो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप इसमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री एम्प्टी है और इसमें इन कीज को इंसर्ट किया गया है। आपको बताना है कि बाइनरी सर्च ट्री की हाइट कितनी होगी। तो ये याद रखिए कि जब भी हम बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं तो पहला नोड रूट नोड बनता है, और हर एक इंसर्शन प्रोसेस रूट नोड के थ्रू ही जो है हम करते हैं। तो यहाँ पे 10 को हमने रूट नोड बना दिया, फिर 1 को इंसर्ट करने के लिए हम अपने रूट नोड से सर्च स्टार्ट किया। सो 1 10 से छोटा है इसलिए हम लेफ्ट में चले गए और 1 को इधर इंसर्ट किया। फिर 3 को इंसर्ट करना है, 10 से छोटा है, 1 से बड़ा है इसलिए हमने 1 के राइट में इंसर्ट किया। 5 को इंसर्ट करने के लिए फिर 10 से चले, 10 से छोटा, 1 से बड़ा और 3 से भी बड़ा है इसलिए हमने 3 के राइट में इंसर्ट कर दिया। फिर 15 रूट से बड़ा है इसलिए हम राइट पे चले गए। 12 रूट से बड़ा है 10 से, 15 से छोटा है इसलिए हम लेफ्ट में आ गए। देन 16 रूट से बड़ा है, 15 से भी बड़ा है इसलिए हमने इसको राइट में यहाँ इंसर्ट कर दिया। हाइट फाइंड करने के लिए या तो आप लीफ से रूट की तरफ जाएं, या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप रूट से स्टार्ट करें और ट्री में नोड्स की लेवलिंग कर लें। तो जो लोएस्ट लेवल है या जो रूट वाला लेवल है वो 0 है, उसके नीचे 1 लेवल, उसके नीचे 2 और उसके नीचे 3। जो लास्ट लेवल है इसको हम डेप्थ भी कहते हैं, और इस डेप्थ को हम ट्री की हाइट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ट्री की हाइट जो है वो 3 है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा जो आंसर है वो सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि किसी एक बाइनरी सर्च ट्री का जो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है वो ये है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल हो सकता है। तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल अगर गिवन है तो उससे हम डायरेक्टली ट्री बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ट्री कैसे बनेगा। 30 विल बी द रूट नोड, नेक्स्ट 20 पिक करते हैं उसको लेफ्ट में लगा देते हैं, नेक्स्ट 10 पिक करते हैं उसको 20 के लेफ्ट में लगा देते हैं, नेक्स्ट 15 पिक करते हैं उसको 10 के राइट में लगा देते हैं, फिर 25 पिक करते हैं। तो आपने देखा कि अगर 25 15 के राइट में लगा सकते हैं, लेकिन 15 के राइट में अगर आप लगाएंगे तो ये 20 का लेफ्ट सब ट्री जो कि कंडीशन को वायलेट करेगा, तो इसलिए आप 20 के राइट में 25 को लगा दीजिए। फिर 23 को 25 के लेफ्ट में लगा दीजिए, 39 को 30 के राइट में लगा दीजिए, 35 को 39 के लेफ्ट में लगा दीजिए, प्रॉपर्टीज एकदम वैलिड है। 42 को आप 35 के राइट में नहीं लगा सकते क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री की कंडीशन को वायलेट कर देगा, 39 के लेफ्ट सब ट्री में एलिमेंट्स 39 से छोटे होने चाहिए, इसलिए आप इसको 39 के राइट में लगा दीजिए। सो नाउ आइए अब इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल करने के लिए हमने रूट से स्टार्ट किया, लेफ्ट मोस्ट में गए, लेफ्ट मोस्ट के बाद
10 के राइट में भी एक एलिमेंट है, राइट का लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि 15 विल बी द फर्स्ट एलिमेंट टू बी प्रिंटेड, नेक्स्ट विल बी 10, नेक्स्ट विल बी 23, नेक्स्ट विल बी 25, नेक्स्ट विल बी 20। आई होप आपको पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल आता है, जिसको हम LRD कहते हैं। नेक्स्ट विल बी 35, नेक्स्ट विल बी 42, 39 और 30। सो आई होप कि ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है मेरा, 23, 25, 20, 23, 25, 20, 35, 42, 39, 30। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवर्सल इज सफिशियंट टू कंस्ट्रक्ट VST फ्रॉम द ट्रेवर्सल। तो अभी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये देखा कि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल से हम एक ट्री बना सकते हैं, इसी तरह से हम पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल से भी एक ट्री बना सकते हैं, लेकिन हम इन ऑर्डर से नहीं बना सकते। तो बाइनरी सर्च ट्री के रेस्पेक्ट में ये बाइनरी ट्री नहीं है, अगर ये बाइनरी ट्री होता तो चीजें चेंज हो जाती। बाइनरी ट्री में मुझे दो ट्रेवर्सल चाहिए, या तो प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर का कॉम्बिनेशन चाहिए, या तो पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर का कॉम्बिनेशन चाहिए। लेकिन बाइनरी सर्च ट्री हम प्री ऑर्डर से भी बना सकते हैं और बाइनरी सर्च ट्री हम पोस्ट ऑर्डर से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए कि आपके पास एक बाइनरी सर्च ट्री है, 4, 2, 5, 9 एंड लेट्स से यहाँ पे 3 है, तो इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा, दिस विल बी 3, 2, 9, 5 एंड 4, करेक्ट। तो इससे ट्री बनाने के लिए हम राइट से लेफ्ट चलते हैं, जो 4 है वो मेरा रूट नोड बन गया, फिर 4 के राइट में है 5, राइट में लगा दीजिए, फिर 5 के इसे एक एक स्टेप हम लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं, 9 है तो 5 के वो राइट में आ जाएगा, फिर इसके लेफ्ट में 2 है, तो 9 के लेफ्ट या राइट में नहीं लगा सकते, ना ही 5 के लेफ्ट राइट में लगा सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन को वायलेट करेगा, ये राइट हैंड साइड के नोड्स हैं, 2 छोटा है तो इसको हम लेफ्ट में लगा सकते हैं, तो 2 को हमने इधर लगा दिया 4 के लेफ्ट में, एंड देन 3 है, 3 को हम 2 के राइट में लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल से ही आपने ट्री को कंस्ट्रक्ट कर लिया, यूनिक ट्री बन गया। सो दिस इज एक्चुअली दी एक प्रॉपर्टी हो गई कि प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल अगर आपको गिवन हो, दोनों में से कोई भी, तो आप ट्री बना सकते हैं। सो 2 एंड 3 मीन्स प्री ऑर्डर भी सफिशियंट है और पोस्ट ऑर्डर भी सफिशियंट है, जिससे आप ट्री बना सकते हैं। नाउ ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास 1 से लेके 100 तक नंबर्स हैं और आपको सर्च करना है नंबर 55। बाइनरी सर्च ट्री है जिसमें 1 से लेके 100 तक नंबर है, आपको 55 को सर्च करना है। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस कैन नॉट बी द सीक्वेंस ऑफ नोड्स एग्जामिन। तो सीक्वेंस ऑफ नोड एग्जामिन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस ट्री से इस गिवन सीक्वेंस से आपको ट्री बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम 10 से ट्री बनाते हैं, ए ऑप्शन से। 10 इज द रूट नोड, 75 इज का राइट, 64 इज का लेफ्ट, 43 इज का लेफ्ट, 60 इज का राइट, 57 इज का लेफ्ट और 55 इज का लेफ्ट। कोई भी प्रॉपर्टी वायलेट नहीं हुई है इसमें, जो छोटे नोड्स है वो लेफ्ट में है, जो बड़े नोड्स है वो राइट में है, तो इसका मतलब कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा बी देखते हैं, बी में 90 के लेफ्ट में 12, 12 के राइट में 68, 68 के लेफ्ट में 34, 34 के राइट में 62, 62 के लेफ्ट में 45, 34 से बड़ा है राइट सब ट्री में, कोई दिक्कत नहीं है, 55 इससे बड़ा है इसके राइट में, तो ये भी सही है। सी ऑप्शन देखते हैं, 9, 85, 47, 68। नाउ सी कि 68 के बाद जब 43 आएगा, तो 43 के पास के लिए मेरे पास केवल एक ऑप्शन है कि मैं उसको 68 के लेफ्ट में लगाऊं, लेकिन ये राइट सबट्री है 47 का, तो 43 यहां नहीं हो सकता, तो इसका मतलब कि ऑप्शन सी गलत है, ये सीक्वेंस ऑफ नोड्स जो एग्जामिन हम कर रहे हैं ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आइए जरा हम ये डी वाला ऑप्शन भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। डी ऑप्शन में कहा जा रहा है कि 79 के लेफ्ट में 14, 14 के राइट में 72, 72 के लेफ्ट में 56 और 56 के लेफ्ट में 16 और 16 के राइट में 53 और इसके राइट में 55। देखिए कोई भी कंडीशन वायलेट नहीं हो रही है इसमें, तो डी ऑप्शन भी सही है, केवल एक ऑप्शन हमारा सी है जो कि सही सीक्वेंस नहीं बता रहा है एग्जामिनेशन का। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना है इन कीज से
और लेफ्ट और राइट सबट्री में कितने कितने नोड्स होंगे। तो सबसे पहले हम 50 से एक रूट नोड बना देते हैं, 15 को इसके लेफ्ट में लगाते हैं, 62 को 52 के राइट, 50 के राइट में, 5 को 15 के लेफ्ट में, 20 को 50 के राइट में। याद रखिए कि सारे इंसर्शन प्रोसेस हमारे रूट नोड से गवर्न हो रहे हैं, तो रूट ही हमें रास्ता बता रहा है कि लेफ्ट जाना है या राइट। तो 58 को इंसर्ट करने के लिए हम 50 के आगे जाएंगे, 62 के लेफ्ट में जाएंगे। हर एक इंसर्शन एज ए लीफ नोड हो रहा है, तो 91 को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे 62 के राइट में, 3 को 50 से छोटा है, 5 15 से छोटा है, 5 से भी छोटा है, फिर 8 50 से छोटा, 15 से छोटा, 5 से बड़ा, 37 है 50 से बड़ा, सॉरी 50 से छोटा, 15 से बड़ा और 20 से भी बड़ा। देन 60, 50 से बड़ा है, 62 से छोटा है और 58 से भी बड़ा है। 24, 50 से बड़ा, 50 से छोटा है, 15 से बड़ा, 20 से भी बड़ा, 37 से छोटा। सो यहाँ पे 24 इंसर्ट कर दिया। सो अगर आप नंबर ऑफ नोड्स देखें कि लेफ्ट सबट्री में कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और राइट सबट्री में कितने नोड्स हैं, 1, 2, 3 और 4, तो 7 और 4, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें 43 को लोकेट करना है, तो इसमें से कौन सा प्रोब सीक्वेंस गलत है। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है जहां पे हमने प्रोब सीक्वेंसेस चेक किए थे। तो 61, 52, 14, 17 बड़ा है इससे, इधर राइट की तरफ जाना है, 40 से बड़ा है राइट की तरफ जाना है, और 43 बिल्कुल सही है सीक्वेंस ए। बी चेक करते हैं, 10, 65 इससे बड़ा है, 31 इससे छोटा है, 48 इससे बड़ा है, 48 के बाद 37, हम लेफ्ट की तरफ आ गए, और इसके बाद 43। सो 10 से बड़ा 65, 65 से छोटा 31, 31 से बड़ा 48, 48 से छोटा 37 और 37 से बड़ा 43, तो बी भी सही है। आइए सी ऑप्शन देखते हैं, 81, 61, 52, 14 इससे छोटा है, 41 इससे बड़ा है और 43 ये भी इससे बड़ा है, तो इसका मतलब ये भी सही सीक्वेंस है। डी ऑप्शन चेक करते हैं, 17, 77, 27, 66 और 66 के बाद 18। 18 को चेक करने के लिए आपको इस नोड से लेफ्ट में जाना पड़ेगा, 18 हो ही नहीं सकता यहाँ पे क्योंकि ये राइट सबट्री ऑफ 27 में है, तो इसलिए ये प्रोब सीक्वेंस गलत है। आई होप आप ये समझ रहे होंगे इस बात को कि 27 के राइट सबट्री में हम हैं ऑलरेडी, तो 18 तो आ ही नहीं सकता इसमें, तो ये प्रोब सीक्वेंस गलत है। और हर एक प्रोब सीक्वेंस मुझे एक कंटिन्यूअस एलिमेंट्स देगा जिसमें कि एलिमेंट्स एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, तो रूट से वो डेटा वैल्यू तक मुझे लेके जाएगा एक सेम चेन में। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये बाइनरी सर्च ट्री से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन ये बाइनरी ट्री से रिलेटेड है। यहां ये कहा जा रहा है कि पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल मुझे गिवन है और मुझे प्री ऑर्डर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल भी गिवन है, मुझे हाइट बताना है ट्री का। तो आइए इस ट्रेवर्सल को लिख लेते हैं, पहले पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल को लिखते हैं, सो दैट इज 8, 9, 6, 7, 4, 5, 2, 3 और 1, ये पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है, और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल मेरे पास है 8, 6, 9, 4, 7, 2, 5, 1 और 3। इसमें पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल मुझे रूट नोड बता रहा है। अगर मैं पोस्ट ऑर्डर इस रूट नोड पोस्ट ऑर्डर सॉरी पोस्ट ऑर्डर में जो लास्ट नोड है वो मुझे रूट नोड बता रहा है, तो इसका मतलब 1 इज द रूट नोड। अब 1 को मैं लोकेट करता हूँ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में, वो ये नोड है, तो 1 के राइट सबट्री में ये नोड्स होंगे और 1 के लेफ्ट सबट्री में ये नोड्स होंगे, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, राइट सबट्री में 3 हो गया और लेफ्ट सबट्री में जो नोड्स हो गए वो 8, 6, 9, 4, 7, 2 और 5 हो गए। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल से नेक्स्ट पिक करते हैं हम, राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं, 3 मुझे मिला तो इस नोड को मैंने 3 बना दिया, फिर मुझे 2 मिला, 2 ये वाला नोड है तो यहाँ मैंने 2 बनाया, और 2 के लेफ्ट सबट्री में नोड्स मेरे हो गए 8, 6, 9, 4, 7 और 2 के राइट सबट्री में नोड हो गया 5, नेक्स्ट नोड है 5 तो मैंने 5 यहाँ मार्क कर दिया, नेक्स्ट नोड है 4 तो मैं यहाँ पे 4 मार्क कर देता हूँ, 4 के लेफ्ट में जो नोड्स होंगे वो होंगे 8, 6, 9 और 4 के राइट में होगा 7,
नेक्स्ट नोड है 7, मैंने इसको 7 बना दिया। नेक्स्ट नोड है 6, तो मैं इसको 6 बना देता हूँ। ऑब्वियस है कि 6 के लेफ्ट में 8 आ जाएगा और 8 के राइट में 9 आ जाएगा। हालांकि आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, पोस्ट ऑर्डर से 9 पहले एंड देन 8, ये वाला नोड। अब जरा इसकी हाइट देखें तो 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल एंड 4 लेवल। तो जो हाइट है वो डेप्थ के इक्वल है, इसलिए इस ट्री की जो हाइट होगी वो 4 होगी। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये बाइनरी ट्री गिवन है और आपको इसमें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल बताना है कि क्या होता है। तो आपको पता है कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है लेफ्ट डेटा एंड राइट। सो एलडीआर अप्लाई कीजिए, यहाँ पे लेफ्ट में चले जाइए, एलडीआर अप्लाई कीजिए, लेफ्ट में चले जाइए, एलडीआर अप्लाई कीजिए, फिर लेफ्ट में चले जाइए और एलडीआर अप्लाई कीजिए। लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, डेटा वैल्यू जी सबसे पहली वैल्यू होगी। राइट इसका एग्जिस्ट नहीं करता, ऊपर जाइए प्रीवियस कॉल पे, इस वाली कॉल पे डेटा प्रिंट कीजिए सी। फिर इसमें राइट एग्जिस्ट नहीं करता, प्रीवियस कॉल पे जाइए, इस कॉल पे आते हैं, डेटा प्रिंट कर दीजिए बी और राइट सबट्री में जाके एलडीआर अप्लाई कर दीजिए। सो दिस इज लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, डेटा इज डी, राइट एग्जिस्ट नहीं करता, प्रीवियस कॉल पे जाइए इस पे। आपने लेफ्ट राइट डेटा तीनों चीज़ें देख लिया, इसके लिए प्रीवियस कॉल पे जाइए। यहाँ पे लेफ्ट देख लिया, डेटा नहीं देखा, तो ए हो गया डेटा मेरा। फिर राइट पे चले जाइए और एलडीआर अप्लाई कीजिए। सो लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, डेटा प्रिंट कर दीजिए एफ, राइट इसका एग्जिस्ट नहीं करता, प्रीवियस कॉल पे जाइए, डेटा प्रिंट कर दीजिए ई, राइट इसका एग्जिस्ट नहीं करता, प्रीवियस कॉल पे जाइए। प्रीवियस कॉल कंप्लीट है, इसका मतलब कि रूट की सारी कॉल्स कंप्लीट हो गई, तो फर्दर मुझे आगे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। सो जी सी बी डी ए एफ ई, इसका मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप बाइनरी सर्च ट्री से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चंस होंगे बाइनरी सर्च ट्री से रिलेटेड इन्फीटीक्यू के एग्जाम्स में, और आप किसी भी क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ स्टैक, क्यू और लिंगलिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को पिक करूंगा। कुछ उसमें रिकर्शन के भी क्वेश्चंस होंगे और हम लोग देखेंगे कि इससे कौन कौन से क्वेश्चंस या किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन पीटीक्यू एग्जाम में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।